तो देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। साल का तीसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण गुरुवार सुबह 8:04 से लगा। बिहार की राजधानी पटना में ये सुबह 8:24 पर शुरू हुआ। पटना के साथ ही छपरा जिले में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इन जिलों में सूर्य ग्रहण अर्ध चंद्र की तरह दिखाई दिया। बिहार के कई जिलों में धुंध की वजह से सूरज नहीं दिखा, वहीं कई जिलों में आसमान में छाई धुंध के बावजूद साल 2019 के आखिरी सूर्य ग्रहण को लोगों ने देखा। और जिन लोगों ने देखा उन्होंने अपने अपने कैमरे में इसे कैद करने की कोशिश भी की। 296 साल बाद पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में 296 साल बाद ऐसे सूर्य ग्रहण को देखने के लिए खास इंतजाम किए गए। यहां लोग विशेष उपकरणों की मदद से सूर्य ग्रहण देखते दिखे। यहां सनग्लासेस और टेलीस्कोप के जरिए बड़े पर्दे पर सूर्य ग्रहण देखने की व्यवस्था भी की गई। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अमिताभ ने श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में सूर्य ग्रहण देखने के लिए किए गए खास इंतजामों के बारे में बताया। यहाँ हम लोगों ने दो व्यवस्था रखी है, एक हमने टेलीस्कोप में फिल्टर लगाया है और दूसरा हमने स्पेशल फिल्टर ग्लासेस रखे हैं जिससे लोग खुद अपनी आँखों से देख सकें और सुरक्षित रूप से देख सकें। नेकेड आई से जो मेडिकल साइंस कहता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी आंखों में प्रवेश करेगी जो आपके रेटिना को खराब कर सकती है, इसलिए इसको नेकेड आई से नहीं देखा जाता है। सूर्य ग्रहण की झलक लेने पहुंचे एक स्थानीय निवासी ने सूर्य ग्रहण के बारे में काफी जानकारी दी और ये भी बताया कि वो ये क्यों देखने आए हैं। ये काफी क्वाइट फैमिलियर होता है और काफी इंटरेस्टिंग है सोलर इक्लिप्स को देखना। ये खगोलीय घटना है, जनरली जब मून अर्थ और सन के बीच आती है तो जल्दी उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है और जिससे कुछ पार्ट से सूर्य को हम लोग नहीं देख पाते हैं और वहाँ पे आंशिक या पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण लगता है, तब ये घटना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो आज के दिन 26 दिसंबर को पूर्ण सूर्य ग्रहण आज लगा है जो कि देश के अधिकांश भागों से देखा जा रहा है। दक्षिणी भाग से, देश के दक्षिणी भाग से वहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण पूर्णतः दिख रहा है, लेकिन उत्तरी भाग से सिर्फ आंशिक सूर्य ग्रहण का ही अवलोकन हो रहा है। जहाँ एक और साइंस सेंटर पर लोगों की भीड़ रही, वहीं पटना के मंदिरों में सन्नाटा पसरा दिखा। मंदिरों के दरवाजे सूर्य ग्रहण के दौरान बंद किए हुए दिखे। कई श्रद्धालुओं को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा। इसकी वजह से हम लोग का संस्कृति है कि ग्रहण के दिन पूजा पाठ और खान पान सब बंद रहता है। ग्रहण लगने के बाद हम लोग नहाते हैं, पूजा पाठ उसके बाद करते हैं, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करते हैं। खुलेगा 11:30 के बाद खुलेगा। क्या क्या सूर्य ग्रहण के समय सब पूजा पाठ बंद रहता है, इसलिए मंदिर का भी द्वार बंद रहता है। बता दें कि साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।